हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूपम। तो आज हम अरबी की सब्जी बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम अरबी ली है। इसको मैंने दो चार पानी से अच्छे से धो ली है। अब हम इसको उबालने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैन में अरबी डाल दी है और गैस पर उबालने के लिए रख दी है। ढककर हम उबलने देते हैं। हम बीच बीच में इसको चेक भी करते रहेंगे ताकि अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पे 20 मिनट हो गए हैं। एक बार हम अरबी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं अरबी बिल्कुल ही गल गई है, हाथ से भी अच्छे से दब रही है। तो इसका मतलब है अरबी अच्छे से गल गई। और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब ये ठंडी हो जाएगी तब हम इसके छिकल उतार लेंगे। तो अरबी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए। और इसमें मैंने एक बड़ा चम्मच तेल डाल दिया है और तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है, धुआं निकलना शुरू हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे अजवाइन। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा चम्मच अजवाइन ली है, वो डाल दी है। और यहाँ पे मैंने अरबी ली है, तो ये अरबी के छिकल मैंने उतार लिए हैं। इस पर मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। इस पर मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है और अब ये अरबी मैं इसमें डाल रही हूँ। तो ये अरबी को तेल में ही अच्छे से फ्राई करना है। ये अरबी जो है हमें बिल्कुल सूखी बनानी है, अच्छे से तेल में थोड़ी थोड़ी गोल्डन ब्राउन हो रही है। तो अरबी यहाँ पे हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। फिर से एक बार इसको अच्छे से चला लेते हैं। तो यहाँ पे अरबी बनकर तैयार है। गैस कर देते हैं बंद और इसको एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अरबी को एक प्लेट में सर्व कर लिया है। यहाँ पे बिल्कुल ही सूखी अरबी बनाई है हमने। ये सूखी अरबी पराठे के साथ या पूड़ी के साथ बहुत अच्छी लगती है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो मिलते हैं और एक नई रेसिपी लेके नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।